गाइस स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल रोमर विजय में। तो यार अभी मैं जा रहा हूँ कोटा, यहाँ से जो कोटा की डेस्टिनेशन है वो लगभग 201 किलोमीटर की, ये जो दूधू से ये जो कोटा का रास्ता है, तो मेरे को अभी यहाँ से दूधू से मालपुरा जाना है पहले, और ये जो मालपुरा है लगभग यहाँ से 46 किलोमीटर है, तो मेरे को पहले मालपुरा का जो सफ़र तय करना है और फिर मालपुरा से मेरे को जाना है यहाँ से कोटा। तो अभी देखते हैं यार, कोई ना कोई लिफ्ट तो देगा, तो लिफ्ट में बैठ के किसी गाड़ी में बैठ के लिफ्ट वगैरह लेके फिर जाते हैं। और ये तो बैनर है, और ये तो मेरा सामान को यहाँ पे रख दिया, इसको अभी कोई लिफ्ट वगैरह मांगते हैं, तो बस अब चलते हैं हम कोटा की ओर जाएंगे। तो आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से मैं लिफ्ट ले रहा हूँ। लिफ्ट नहीं मिले यार अभी तक, देखते हैं यार, प्रयास तो करना पड़ेगा। मालपुरा सो गाइस अभी दीपेंद्र भाई ने लिफ्ट दिए मेरे को, लगभग 6 से 7 या लगभग 8 किलोमीटर की लिफ्ट है ये, तो अभी मैं जा रहा हूँ दीपेंद्र भाई के साथ। सो यार मेरे को अभी दीपेंद्र भाई ने 7 से 8 किलोमीटर की लिफ्ट दी, अभी मेरे को जाना है अभी मालपुरा, तो यहाँ से 39 किलोमीटर है, तो अभी कोई दूसरी लिफ्ट वगैरह में बैठ के मालपुरा तक जाएंगे और फिर वहाँ से कोटा की तरफ जाएंगे। तो गाइस इन भाई ने हमको लिफ्ट दी है मालपुरा तक, लगभग 39 किलोमीटर है, तो ये हमको मालपुरा तक लेके जा रहे हैं। हाँ भाई बोलो कुछ भाई। मैं एक भाई, मेरी गाड़ी एक ही है। अच्छा, दो ही टायर है। अच्छा, तीन भी चल सकते हैं। हमारे घर में कभी परेशानी होती है, 4-5 घंटे भी बैठ जाते हैं कई बार। देखा नहीं होगा बच्चों को, कभी खेलने जाते हैं बाहर दूसरे गांव के अंदर, बैठ के तो जाते नहीं जाते हैं, 4-5 घंटे बैठ जाते हैं भाई। ये एक ही है, एक को बिठा के क्या हो रहा है। हम लोग और आ सकते हैं, आप लोग देख लो। हेलो गाइस, उन्होंने कहा हुआ ये कौन सा जानवर है? जानवर। और मालपुरा से कितना दूर है? कम से कम 10 किलोमीटर। ये मालपुरा से अपन देखते हैं, ये 10 किलोमीटर पहले ही आता है, और नेशनल हाईवे यहाँ से समथिंग करीब ही है, NH8 किशनगढ़ अजमेर रोड है वो। यहाँ मैं हूँ अभी मालपुरा में, जो मोहम्मद आरिफ भाई हैं उन्होंने लगभग 40 किलोमीटर की लिफ्ट दी मेरे को। अभी यहाँ से जो कोटा है वो लगभग 156 किलोमीटर है, और अभी बज रहे हैं लगभग 2:15 बज रहे हैं, दिन के 2:15 बज रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज कोटा पहुंच जाऊं, अदरवाइज मैं या कैंपिंग टेंट है मेरे पास तो वहां पे स्टे करेंगे। तो देखता हूं क्या होता है। अभी मैं चल रहा हूं बाजार है यहां से, तो बाज़ार से बाहर निकल के फिर देख फिर यहां पे जो बाज़ार है ना, तो बाज़ार के अंदर लिफ्ट वगैरह मिलती नहीं है अधिकतर, तो बाज़ार से थोड़ा बाहर निकल के हाईवे पर जाना है मेरे को, और फिर वहां से लिफ्ट के लिए मैं देखूंगा, अगर लिफ्ट वगैरह मिल जाती है तो अच्छा रहेगा। तो गाइस मैं अभी मालपुरा में, और यहाँ से मेरे को जाना है कोटा, तो उससे पहले मेरे को जाना पड़ेगा टोडा राय सिंह। वहाँ तो गाइस अभी लिफ्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ से मेरे को जाना है टोडा राय सिंह, वहाँ से देवली, और फिर देवली से सीधा अगर कोटा की लिफ्ट वगैरह मिल जाती है तो सीधा फिर कोटा जाऊँगा।
ये क्या बाजार का एरिया है तो बाजार में ज़्यादा मिलती नहीं है। अगर आप कभी हिचकिंग हो गए, अगर हिचकिंग कर रहे हो तो आप जो बाजार का एरिया है वहाँ से थोड़ा दूर निकल के वो जो हाईवे का एरिया पकड़ लो, क्योंकि वहाँ पे जो लिफ्ट वगैरह वो मिल जाती है आपको। तो बस अभी थोड़ा राइसिंग जाना है पहले। इन्होंने हमको लिफ्ट दिए। कितने किलोमीटर यहाँ से आप जा रहे हो भैया? मैं तो 7 किलोमीटर जा रहा हूँ। थैंक यू। वहाँ से लिफ्ट मिल जाएगी टोडा के लिए भैया? हाँ मिल जाएगी बिल्कुल। थैंक यू भैया। आपका शुभ नाम? सूरज गुजर, अम्बापुरा, टोंग डिस्ट्रिक्ट, तहसील मालपुरा। तो सूरज भैया ने हमको लिफ्ट दी है यहाँ से मालपुरा से 7 किलोमीटर की। अभी हम जा रहे हैं 7 किलोमीटर अवे, फिर वहाँ से हम लिफ्ट वगैरह लेंगे टोडा के लिए। अभी टोडा राइसिंग। प्लान तो यार कोटा तक का था, लेकिन थोड़ी बहुत शाम भी हो गई और यहाँ ये क्या है, बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक स्थल है, तो इसको भी हम व्यू में आपके लिए कवर करेंगे। तो ये देखो, ये पीछे की तो ये जो हवेली सी दिख रही है, यहाँ पे स्टे का है। कोई भी जो ट्रेवल वगैरह, कोई भी ट्रेवल हुआ है, ट्रेवलर है, तो वहाँ यहाँ पर आके स्टे कर सकता है। तो यहाँ पर लोकल्स वगैरह ने मेरे को बताया कि यहाँ पर आप स्टे कर सकते हो, यहाँ पर घूमने के लिए बहुत ज़्यादा जगह है। तो यहाँ पर हम स्टे करेंगे आज के लिए और फिर कल वापस निकलेंगे घूमने के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, आश्रय स्थल है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे फिर आज रुक के थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लोर करके टोडा राइसिंग, ये क्या है, बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक स्थल है और बहुत ज़्यादा प्राचीन है। तो यहाँ पे बावड़ी वगैरह हैं और भी जो बड़े बड़े मंदिर हो गए यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे कवर करेंगे आज। अभी हम खड़े हैं ये जो टोडा राइसिंग के अंदर जो बस स्टैंड है, और यहाँ पे एक मंदिर बन रहा है श्री श्याम का। ये देखो यहाँ पे मंदिर बन रहा है, और ये जो आप तस्वीर में देख रहे हो सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा। तो चलो अंदर थोड़ा बहुत जाके विजिट करके आते हैं हम। और ये भैया मिले हमको, तो ये हमारे साथ घूम रहे हैं, इनका होटल है, तो अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे। एंड ये जो आप देख रहे हो पीछे की तरफ, ये है कमोदी सागर। और ये जो मंदिर है श्री श्याम जी का जो बन रहा है, उसके जस्ट इस साइड में, इसके पास में शनिदेव का मंदिर है। अच्छा, इसके जस्ट पास में शनिदेव जी का मंदिर है, धर्मराज जी का, शनिदेव का। अच्छा, और ये आप अगर देख पा रहे हो तो वो जो पीछे की तरफ दिख रहा है वो मंदिर, वो है भूतेश्वर जी का मंदिर, भूतेश्वर महादेव जी का मंदिर है यहाँ पे। बस स्टैंड सूरज कुमार जगरवाल, टोडा राइसिंग, डिस्ट्रिक्ट टोंक। अच्छा, ये जो जगह का नाम बता रहे हैं भैया, और इनका क्या है, होटल भी है। तो अभी होटल के अंदर एक अमेजिंग व्यू है, तो आपको वो भी दिखाएंगे हम। और आपके जो होटल का क्या नाम है भैया? न्यू अनोखी रेस्टोरेंट। अच्छा, ये कहाँ पे पड़ता है? ये ब्रॉडवेज बस स्टैंड, टोडा राइसिंग, वहीं पे जो आपका जी। अच्छा, तो अगर कोई आना चाहे तो आ जाना। ये महल का पिछवाड़ा है। अच्छा, रानी जी, राजा और रानी रहते थे यहाँ पे, टोडा राइसिंग। हाँ, टोडरमल जी। अच्छा, वो राजा थे। रोशी रानी का महल है। अच्छा, और ये जो जगह है ये आप बता रहे हो टोडा राइसिंग के बारे में? जी। अच्छा, ये टोडा राइसिंग का सीन है। और ये यहाँ पर फिसलपुर डैम आ गई। अच्छा, ये आगे की तरफ है? ये आगे की तरफ है। अच्छा, इसका पिछवाड़े में पानी है। इसमें क्या है, रूसी रानी इस जगह से कूद के इसी में गिरी थी। अच्छा, इसी के अंदर गिरी। हाँ, इसी के अंदर गिरी। वो क्या, ये इसके पीछे गुंडे लग गए थे। अच्छा, गुंडे लगने के बाद में वो फिसलपुर में पारस थी उसके पास, पारस लेके भग गई वो। अच्छा, यहाँ से फिसलपुर डैम है, इसमें गिरा दिया फिर उसने। अच्छा, रूसी रानी ने इसमें गिरा दिया। ठीक है, ये पिछवाड़ा है। अच्छा, ये आगे से आगे का पोर्शन है, यहाँ गार्ड रहते थे उनके, दोनों तरफ गार्ड रहते थे। इसमें क्या, राजा जी बैठते थे। अच्छा, केवल राजा जी, इसमें बेड वगैरह लगे हुए थे राजा जी के। और ये ब्राउन डैम है, उनके सैनिक रहते थे।
अच्छा, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, छोटा मोटा नहीं। और यहाँ पे राजा, ये स्विमिंग पूल है। अच्छा, स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल इसमें क्या, राजा जी यहाँ पे गेम खेलते थे। अच्छा, चौपर पासे वगैरह कुछ ना कुछ खेलते थे। क्या इधर से सीढ़ी है, ये छज्जे नौ हाथ के हैं। अच्छा, जैसे अपने हाथ नौ है ना, वैसे छज्जे नौ हाथ के छज्जे हैं इसके। अच्छा अच्छा, और ऐसा छपा हुआ है यहाँ पे। हाँ, ये छज्जे बहुत हैवी है, बहुत टॉस है बिल्कुल। ये थोड़े से अटके हुए हैं, लेकिन नौ नौ हाथ के। अब नौ हाथ कितना बड़ा हो गया, उतने बड़े छज्जे हैं ये। अच्छा, लटके हुए हैं सर। ठीक है, ये भी ये बरामदा बना हुआ है, जो सैनिक रहते थे। अच्छा, इसके नीचे सैनिक रहते थे वो है। ये है बुद्ध सागर। अच्छा, कौन सा बुद्ध सागर? अच्छा, ये बुद्ध सागर में है ना, इसमें कोई गहराई नाप नहीं सकता। अच्छा, इसके अंदर ही कह रहे हो? इसके अंदर कोई गहराई नाप नहीं सकता। और अभी तक किसने नापी भी नहीं है? नापी भी नहीं किसने। ऐसा क्यों? इसमें इतना पानी रहता है जिसका एनी टाइम अपने से बड़ी बड़ी मछलियाँ, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ। अच्छा, इसके ऐसी सात घंटियां बनी हुई है इसके अंदर। ये घंटी है ना, सात घंटियां बनी हुई है। अच्छा, ठीक है सर, ये बुद्ध सागर है। यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है। अच्छा, यहाँ से हम नहाते थे, वहाँ जाते थे हम। अच्छा, नहाते नहाते। हाँ, ठीक है सर। ये हाड़ी रानी कुंड। अच्छा, हाड़ी रानी, ये रानी जी जैसे इसमें है ना, ये इसमें से महल में से नीचे अंदर जाऊंग। अच्छा, रास्ता है और इसके अंदर नीचे इधर के साइड में गेट है इसका। अच्छा, रानी जी वहाँ से आती थी, इसमें स्नान करती थी। अच्छा, स्नान करने के बाद वो वापस महल में जाती थी। इसमें जिस सीढ़ी से आओगे उस सीढ़ी से वापस जा नहीं पाओगे। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, ठीक है, इसमें से इसमें रानी जी रहती थी। अच्छा, इसमें रानी जी रहती थी बहुत। इसमें मतलब ये छः सात बिल्डिंग है, बहुत गजब है सीन। अच्छा, बहुत क्वालिटी वाला है। इसमें बनाओ पत्थरों की है, बिल्कुल पत्थरों की। इसमें एक्चुअली इसमें सीमेंट ना मिट्टी ना कुछ लगा हुआ, बस पत्थरों से बनी हुई है। केवल पत्थरों से बनी हुई, केवल पत्थरों से। और ये जो टोडा राइजिंग पूरा ऐतिहासिक नगरी है। और यहाँ पे लेकिन कोई इसको एक्सप्लोर क्यों नहीं करता? यहाँ पे कोई ज्यादा आता नहीं यहाँ पे सर, क्या पता क्यों नहीं आता है। अच्छा, लेकिन हाँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा ऐतिहासिक एरिया है, लोगों को विजिट करना चाहिए यहाँ पे टोडा राइजिंग। इसमें भी इतनी सीढ़ियाँ दिख रही है ना, उतनी सीढ़ियाँ पानी के नीचे है। अच्छा, सेम। अच्छा, तो कॉपी जैसे ये सीढ़ियाँ है, इससे छोटी छोटी सीढ़ियाँ आ जाएगी फिर नीचे। अच्छा, फिर इसके नीचे जाने के बाद फिर एक कुआ आएगा। अच्छा, कुएं में वो कभी ये भी इसका पानी भी कभी खत्म नहीं होता। अच्छा, इसको खाली होते हुए तो हमने देख लिया, लेकिन इसके अंदर कुआ है। अच्छा, कुएं में पानी खत्म नहीं होता। अच्छा, ये कुंड कहते हैं इसको, हाड़ी रानी कुंड। अच्छा, रानी जी नहाने का स्नान यही करते थे। ठीक है सर, और ये पुलिया है। अच्छा, ये आम सागर है। आम सागर। अच्छा, इधर से ये इसको काटा गया था पहाड़ को अभी दो तीन साल पहले। अच्छा, काट के ये बनाया था पुल क्या, उसके बाद में ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे अभी गार्डन बना दिया गया। अच्छा, इस जगह पे गार्डन बना दिया गया अभी। अपने होटल का नाम है न्यू अनोखी रेस्टोरेंट। अच्छा, और तो अच्छा, तो उसमें ये पूरा दिखाया हुआ आपने जी। अच्छा, और आपका नाम? सूरज कुमार जगरवाल है।